धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सभी गली मोहल्लों, सेक्टरों और चौराहों पर सफाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अच्छी खबर ये है कि हर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। थानेसर नगर परिषद कार्यालय में गत 9 दिनों से काम छोड़ हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल के आश्वासन पर यह हड़ताल खत्म हुई है। नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था अब जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। आपको बता दें कि थानेसर नगर परिषद कार्यालय में पिछले 9 दिनों से काम छोड़ हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज थानेसर नगर परिषद के ईओ देवेंद्र नरवाल के आश्वासन पर हड़ताल को खत्म कर दिया है। देवेंद्र नरवाल ने कहा कि सफाई कर्मचारी एरियर की मांग को लेकर यह हड़ताल कर रहे थे, जिसके चलते विधायक सुभाष सुधा व प्रशासन के द्वारा हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर 2017 से अब तक का एरियर देने की मांग की गई है। जो प्रयास उनके लिए किए गए हैं, वह सभी प्रयास आज सभी कर्मचारियों के सामने रखे गए हैं और हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने उनकी बात मानते हुए हड़ताल को खत्म कर दिया। हड़ताल खत्म होने से नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था अब जल्द ही पटरी पर आने की संभावना है। जी, ये लगभग 303 कर्मचारी हमारे नगर परिषद थानेसर के दिनांक 27 जुलाई से स्ट्राइक पर थे। इनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी मुख्यतः डिमांड यह थी कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी माध्यम से 2014 में पेरोल पे आ गए थे, सरकार ने उनको पार्ट टू के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन था कि जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था में एडजस्ट किए गए उनको जो एरियर दिया जाना है वो नवंबर 2017 से दिया जाए। तो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी आई हैं उनकी तरफ से भी ये ज्ञापन था कि जो हमारा यहाँ का 2017 से एरियर बनता है वो हमें दिया जाए। जब उस मामले पर मंथन किया गया और सरकार निदेशालय के जो दिशा निर्देश थे उनका अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि हमारे यहाँ जो पद सृजित किए गए, जो पोस्ट सैंक्शन की गई, वो 2021 में सैंक्शन करी गई है। सरकार की भी यही गाइडलाइंस है कि जिस दिन से जो पोस्टें सैंक्शन करी गई हैं उसी दिन से इनका एरियर कैलकुलेट किया जाए और तत्काल प्रभाव से वो दे दिया जाए। हमारे पास एक प्रोसीडिंग्स भी रिकॉर्ड में मिली है, जिसमें 15 मार्च 2023 की एक बैठक है, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन जो है इनकी स्टेट बॉडी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। चंडीगढ़ स्तर पर माननीय ACS साहब की अध्यक्षता में शायद वो मीटिंग कंडक्ट हुई है, जिसमें लिखा है कि जिस भी स्टेशन पर जब से ये पोस्टें सैंक्शन हो उनको तभी से ये लाभ दिया जाए। तो इनकी बात को भी संज्ञान में लेते हुए हमने यहाँ हमारे माननीय अपना DMC साहब, हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने सरकार को 27 तारीख में ये पत्र लिखा है कि जो इनकी मांगे हैं उस पर संज्ञान लेते हुए हमें स्वीकृति ये प्रदान की जाए कि इनका जो एरियर है वो हम 2017 से ही दें। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय विधायक थानेसर, उन्होंने भी सरकार के संज्ञान में लिखित रूप में ये लेके आए हैं। उन्होंने रिकमेंड किया है अपने लेटर हेड पे कि जो पद सृजित किए गए थे नगर निगमों में पहले हो गए और नगर पालिका परिषदों में वो बाद में हो गए, जो कि एक विसंगति उनको प्रतीत हुई, और उन्होंने कन्वे किया है कि जो इनका एरियर बनता है वो 2017 से ही बनता है और सरकार से मांग करी गई है कि इनका जो एरियर 2017 से ही दे दिया जाए। तो जैसे ही सरकार के स्तर पर निर्णय ले लिया जाएगा तुरंत प्रभाव से इनका जो डिमांड है उसको पूरा करते हुए ये एरियर उनके खाते में डाल दिया जाए। सर, इस समय फिर अब ये सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म कर? हाँ जी, आज हमने जो जो कार्रवाई कार्यालय द्वारा की गई इनके पदाधिकारी और इनके ही मंच पर जाके इनको उससे अवगत करवा दिया गया। जो जो कार्यालय ने प्रयास किए हैं, माननीय विधायक जी ने जो प्रयास किए हैं, वो भी पदाधिकारियों एवं सभी सफाई कर्मचारी भाइयों को उनको सूचित कर दिया गया। इस पर आश्वस्त होकर विधिवत रूप से जो इनकी स्ट्रीट। मेरा नाम सुभाष गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष हूं। आज हमारे बीच के अंदर सरकार की तरफ से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के आए, उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग जायज है और हमने लेटर लिख दिया हरियाणा गवर्नमेंट को, वो बहुत जल्द यानी कि आ जाएगा आपके बीच में और आपको 1/11/2017 से जो एरियल है वो दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया। हमने बदले में ये कहा है कि हम 1 महीने का समय आपको दे रहे हैं। आज 5 तारीख है, अगली 5 को दोबारा हम आंदोलन पर चले जाएंगे अगर 1 महीने के अंदर हमारी हड़ताल यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो हाँ नहीं मानती तो हमारी ये आंदोलन दोबारा फिर जारी हो
जिसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन की है। क्या आप सभी यहाँ इस बात से संतुष्ट हैं? ये मेरा आईपाई प्रधान है, उनसे क्या जो अभी आपको सरकार ने आश्वासन दिया से आप संतुष्ट हो? जो अभी सरकार ने आपको आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हो? अगर आपकी मांगे मान ली, आज जो हड़ताल है कितने दिनों से चल रही है आपकी? अब आप अपनी हड़ताल समाप्त कर रहे हो? यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम?